तो दोस्तों एक बार हम फिर आ गए हैं पंडित जी भोजनालय पर, तो चलिए देखते हैं आज कुछ खाने का। कब देखोगे फिर हमारा चैनल? और सुनाइए, ठीक है, बढ़िया है। तो हम फिर आ गए आपके पास का आज। हाँ आओ गौरव बैठो। और सुनाइए, तो परसों उस दिन तो हमको टाइम नहीं मिला कुछ खाने का, तो आज कुछ खिलवा दीजिए फिर। अब क्या है नहीं, हमारा तो जो है क्या, हमारे तो हमें तो ये देखने की जरूरत है, हमारा तो जो फेवरेट है ड्राई थोपा, बिल्कुल, और सूप के साथ ड्राई थोपा और सूप जो है हमको खिलवा दीजिए बस। तो देखते हैं और अपने व्यूवर्स को भी बताएंगे कि भैया ड्राई थोपा कैसा होता है और जो है उसके साथ सूप कितना ज़रूरी होता है, ये भी हम अपने व्यूवर्स को बताएंगे। और दोस्तों देखते रहे हमें ड्राई थोपा खाते हुए। राकेश, तो जो है ये राकेश शूट कर रहे थे अभी, राकेश डंगवाल। हाँ तो बैठिए, आप भी बैठिए फिर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया हूँ। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। मैं हूँ आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। और दोस्तों अभी जो है हम लोग खा रहे हैं ड्राई थोपा, और ये देखिए ड्राई थोपा, और ये हैं राकेश डंगवाल और ये हैं गौरव तिवाड़ी। तो हम लोग शुरू करते हैं, और अभी हमारा जो है सूप आने वाला है, और फिलहाल जो है थोपा जो है ड्राई थोपा आ चुका है। दोस्तों ये है ड्राई थोपा और ये है सूप, और ये है राकेश डंगवाल, और ये है गौरव तिवाड़ी, और हम हैं अभी पंडित जी भोजनालय पर, और ये है भोटिया मार्केट में। और पहले हम लोग ये खा लेते हैं ड्राई थोपा और सूप, और उसके बाद जो है आपसे बात करते हैं उसके बाद। दोस्तों वैसे तो आप ड्राई थोपा जो है बगैर कुछ मिक्स किए हुए भी खा सकते हैं, और लेकिन आप उसमें चाहें तो फिर सॉस और ये जो मीठा सॉस होता है चिली सॉस वगैरह भी मिला सकते हैं, लेकिन राकेश डंगवाल ने जो है उसमें मिला दिया है सॉस, और हम तो जो है बगैर सॉस के जो है खा रहे हैं। और गौरव ये हमारे जो है बगैर बिना सॉस के खा रहे हैं। हाँ तो गौरव कैसा लग रहा है, टेस्ट कैसा है बगैर सॉस के? बहुत बढ़िया है ना। हाँ बिना सॉस के तुम खा ले रहे इसको। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है ना। हाँ और सूप? सूप भी बहुत बढ़िया है, टेस्टी है। हाँ थोड़ा स्पाइसी है, स्पाइसी है, लेकिन वही है इसके साथ में स्पाइसी खाने का थोड़ा अलग ही आनंद होता है। जी जी। और राकेश आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है, बढ़िया लग रहा है, लेकिन चेहरे से तो नहीं लग रहा है। क्यों नहीं? हाँ ये अभी स्टार्ट कर रहा है ना। हाँ अभी स्टार्ट किया है। दोस्तों टेस्टी है बहुत, और आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखाएं कि कैसा टेस्ट है इसका, ये क्योंकि ये उल्टा हाथ हो गया ना, ये उल्टे हाथ से जो है फिर अच्छे से। हाँ वाह, बहुत ही सॉलिड है, है? अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, लेकिन अच्छा है। ऊपर तो मेरे को ज़्यादा जो है ये
थोपा खाता हूँ तो ड्राई थोपा ही जो है अच्छा लगता है। इसको ड्राई थोड़ा सही लगता है ना, वो थोड़ा सा मिक्सअप होता है तो उतना बहुत ही टेस्टी। अक्सर इसी में जब आते भी हैं कोई बंदे में तो उन सभी कहते भाई ड्राई थोपा सबसे बढ़िया स्पेशलिटी है यहाँ। तो दोस्तों हमने आपको पहले भी दिखाया था पंडित जी भोजनालय, और देखिए स्पेशल थाली भी मिलती है यहाँ पर, उसमें चार रोटी, क्वार्टर प्लेट राइस, दाल मखनी, मिक्स वेज, पनीर, पापड़, रायता सलाद। और कुमाऊनी थाली में आपको मिलता है राजमा, कढ़ी चावल, रोटी, क्वार्टर राइस, रायता, अचार और सलाद। और नॉर्मल थाली में है दाल फ्राई, आलू मटर, रायता, चार रोटी, क्वार्टर राइस, अचार और सलाद। तो दोस्तों आप भी आए पंडित जी भोजनालय में भोटिया मार्केट पर, और यहाँ पर अपने तरह का जो है डिश आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं। और हम लेंगे अभी ब्रेक, क्या ब्रेक नहीं, हम क्या खा रहे हैं, ड्राई थोपा। हाँ, और ड्राई थोपा उसके साथ में सूप। हाँ, ड्राई थोपा और सूप। चलिए ठीक है, लेते हैं फिर ऑर्डर। तो हम नहीं नहीं कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं लेंगे हम। तो दोस्तों ये जो है मेन्यू कार्ड है, ये देखिए मेन्यू कार्ड में भी आपको जो है खाना सजा हुआ दिखेगा। और यह आइलब नैनीताल और पंडित जी का शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। हाँ दोस्तों, एक बात यही है कि शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है ये, यहाँ पर आपको नॉन वेज कुछ भी नहीं मिलेगा। थोप्पा, मोमो, चाउमीन वगैरह जो चीज़ भी होती है वो सब वेज ही आपको मिलेगा। और दोस्तों ये पूरा मेन्यू है, और हम आपको पूरा मेन्यू जो है अगर पढ़कर बताएंगे तो फिर आप लोग भी कहोगे यार ये क्या हो रहा है, तो इसलिए हम खाली आपको मेन्यू कार्ड दिखा दे रहे हैं एक बार। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको लेकर गए थे नंदा देवी मेले में पंडित जी भोजनालय भोटे मार्केट के पास में, और हमने यहाँ खाया आज ड्राई थोप्पा और सूप। तो फिर मिलते किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।